नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की अपडेट लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको सामने दिखाई दे रही है fci.gov.in। हाँ जी दोस्तों, एफसीआई की तरफ से रिक्रूटमेंट आ गई है 2021 के लिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वैकेंसियां आई हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ नोटिफिकेशन मिलेगा वो देखेंगे, और उसके बाद उस नोटिफिकेशन के माध्यम से जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है वो सारी आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें, और ऑल ओवर इंडिया लेवल से लेटेस्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए fci.gov.in। यहाँ करंट रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे ही कैटेगरी वन रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कैटेगरी वन वैकेंसियां इसमें शामिल हैं। पोस्ट देख लेते हैं, ऑनलाइन ही आपको इनके लिए अप्लाई करना होगा एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल 30 वैकेंसियां हैं। अपर एज लिमिट 30 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां आप यहां से देख सकते हैं। पे स्केल है 60,000 से 1,80,000। असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की टोटल 27 वैकेंसियां हैं। पे स्केल है 60,000 से 1,80,000। असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स पे स्केल 60,000 से 1,80,000। टोटल वैकेंसियां 22। अपर एज लिमिट 28 साल। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर ला पे स्केल वही है 60,000 से 1,80,000। टोटल वैकेंसियां 8 हैं। अपर एज लिमिट 30 साल है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल ऑफिसर पे स्केल 50,000 से 1,60,000। अपर एज लिमिट 35 साल, और टोटल सिर्फ 2 वैकेंसियां हैं। तो टोटल 89 पोस्ट हैं यहां जिनके लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप वैकेंसियां यहां से देख सकते हैं। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहां दे दी गई है, और ये पे स्केल दिया गया है। अब देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इन पदों के लिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस 1/1/2021 को जनरल मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय 55% मार्क्स। तो दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कम से कम 55% अंकों के साथ, और ACWA या ACS आपने कर रखा हो, या फिर बैचलर्स डिग्री इन लॉ और 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो आप यहां से देख सकते हैं ये क्वालिफिकेशन इन पदों के लिए रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए BSc एग्रीकल्चर में 55% अंकों के साथ अगर आपने कर रखी है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर बीटेक डिग्री और BE डिग्री इन फूड साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTE विद मिनिमम 55%, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो काफी सारे यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ से ध्यान से आप देख लीजिएगा। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स के लिए एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ किसकी, इनमें से द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट्स ऑफ इंडिया। असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के लिए फुल टाइम डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, ये भी आप देख सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS आपने कर रखा हो, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये यहाँ वैकेंसी की डिटेल दे दी गई है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, कैसे कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी यहाँ दी गई है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ये भी यहाँ दे दिया गया है, आप ये ध्यान से पढ़ सकते हैं। और जो वेटेज है, ऑनलाइन टेस्ट के 90% है और इंटरव्यू के वेटेज 10% है। तो टोटल दोनों को मिला के मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। इसके बाद सिलेबस भी दे दिया गया है, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसका क्या सिलेबस रहेगा। अब इनके लिए हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस आखिरकार क्या निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फीस और बाकी ऑल ओवर इंडिया लेवल में इसके एग्जाम सेंटर हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन फीस की तरफ। अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ ₹1,000 है। बाकी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं लगने वाली है। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड से ही आपको फीस जमा करानी है, और ये देखिए ₹1,000 एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं लगने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट में मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 1 मार्च 2021 प्रातः 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 31 मार्च 2021 शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तो आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है fci.gov.in। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।